यहाँ इस प्रांगण में उपस्थित मेरे सभी नौजवान साथी, मेरी बहनें और मंच पर उपस्थित इस अनिश्चितकालीन धरने को सुचारू रूप से चलाने के लिए इन साथियों ने सहयोग किया है। आप सभी साथियों को मेरा जय भीम नमस्कार। और साथियों, आज अभी भाई ने बताया कि इस धरने को 54वां दिन है, लगातार आप लोग 50 दिन से धरना जारी रखे हुए हैं। आज 18 मई हम भी लगातार 3 दिन से आप सभी साथियों के संपर्क में हैं। आप सभी साथियों के संपर्क में रहते हुए हमारे जितने भी साथी यहां पर इस धरने में आप सभी साथियों का सहयोग कर रहे हैं, उनके माध्यम से जो जानकारी हमें प्राप्त हुई, उस जानकारी को भीम आर्मी भारत मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विनय रतन सिंह साहब के संज्ञान में हमने ये बात रखी और उन्होंने 18 मई का दिन हम लोगों को दिया। साथियों, पहले तो मैं आप लोगों को यह बता दूं कि जब कोई हम धरने की कॉल देते हैं या किसी आंदोलन की कॉल देते हैं, क्योंकि हमें जो बताया गया था आप सभी साथियों के माध्यम से कि आउटसोर्सिंग के जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी साथी लोग यहां पर उपस्थित हैं, लगभग 1200 कर्मचारी ऐसे हैं जो इस निकम्मी सरकार ने निकालकर बाहर फेंक दिए हैं। और हम आप सभी साथियों से ये कहना चाहते हैं कि भीम आर्मी के साथी पूर्ण तरीके से आपके साथ हैं। पहले जब आपने विधानसभा या सचिवालय की ओर कूच किया था तो आपके ऊपर लाठियां बांधी गई, आप मारा गया, पीटा गया, बहनों के साथ में बड़ी बदसलूकी की गई। लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं, हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की ओर से विश्वास दिलाते हैं, हम अपने प्रदेश की टीम जो मुस्लिम समाज के साथी भी हमारे साथ चलकर आए हैं, सभी समाज के साथी आपको समर्थन देने के लिए इसलिए आए हैं क्योंकि आपके साथ गलत हुआ है। और गलत को बिल्कुल भी भीम आर्मी के लोग बर्दाश्त नहीं करते। यहाँ से निर्धारित की जाएगी, हम आपसे वादा करते हैं कि पीछे नहीं हटेंगे, जान बेशक चली जाएगी, लेकिन आपके इस आंदोलन को सफल करके रहेंगे। और इस सरकार के मनसूबे में इस सरकार को कामयाब नहीं होने देंगे। जिस प्रकार से आप लोगों ने 2 साल इस देश की सेवा की है, वो परिस्थिति जिस परिस्थिति में लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, लोग पड़ोसी के यहाँ जाने से डरते थे, लेकिन आप लोगों ने अपनी जान को जोखिम में डालकर, मेरे हरिद्वार के साथी भी यहाँ पर हैं और यहाँ देहरादून के साथी भी यहाँ पर हैं और बाहर से अन्य जिलों से भी साथी लोग चलकर यहाँ आए हैं, आप की जितनी तारीफ की जाए, वैसे तो सरकार निकम्मी और झूठी है, एक नंबर की सरकार निकम्मी और झूठी है। क्योंकि दिल्ली से एक मैसेज चला था कि कोरोना काल में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, जो कोरोना काल में सेवा दे रहा है, जो व्यक्ति अपनी जान की परवाह ना करते हुए यहाँ लोगों के लिए रात दिन खड़ा है, ट्रीटमेंट दे रहा है, अगर किसी व्यक्ति की जान चली जाती है तो उसे 1 करोड़ रुपए मुआवजा और उसके परिवार को सरकारी नौकरी में रखा जाएगा। लेकिन सरकार पूरी तरह से अपने वादे से मुकर गई और दिल्ली प्रदेश के अंदर 11 से ऊपर लोगों की, कोरोना योद्धाओं की मौत हुई, लेकिन सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया है। हमारे यहाँ पर भी उत्तराखंड प्रदेश के अंदर ऐसा हुआ है कि हमारे सैकड़ों साथी कोरोना पॉजिटिव हो गए सेवा देते देते, लेकिन उन कोरोना पॉजिटिव साथियों की ओर किसी प्रकार से सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है। यह आपको सोचना है, यह आपको तय करना है कि साथियों, ये सरकार जो वर्तमान में इस प्रदेश के अंदर सरकार चलाई जा रही है, ना तो ये बेटियों की सुरक्षा करती है, ना ये साथियों की रक्षा करती है। आप सभी साथियों को समय ये निश्चित करना पड़ेगा कि किस प्रकार से इस सरकार को झुकाना है। और ये सरकार अगर कहीं झुक सकती है तो आपकी ताकत के सामने, आपकी एकता के सामने झुक सकती है, अन्य सरकार झुकने वाली नहीं है। और वो सरकार झुकाने के लिए, इस सरकार को ये बताने के लिए कि जिस प्रकार से इन बच्चों के साथ में नाइंसाफी हुई है, पहले तो परेड ग्राउंड में धरना स्थल था, आप सभी साथी जोर से चिल्लाते थे तो भाजपा के कार्यालय तक आवाज चली जाती थी, लेकिन धरना स्थल भी ऐसी जगह बना दिया जहाँ कोई ना तो मीडिया वाला आता है, ना कोई LIU वाला आता है, ना कोई प्रशासन का व्यक्ति आता है, तो आखिर हमारी सुनेगा कौन? तो आपकी सुनेगा ये जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म आप सभी साथियों के बीच में है, जो आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह जो भी सोशल साइट चलाते हैं, आपको इस धरना प्रदर्शन को, क्योंकि मीडिया के लोग नहीं दिखाएंगे, मीडिया के लोग पूरी तरह से सरकार के हाथों बिके हुए हैं, वो ये नहीं दिखाएंगे कि हमारी 5-5 बहनें, हमारी 5-5 बेटियां यहां धरना स्थल पर भूखी बैठी हुई हैं। यहां वो बेटियां भूखी बैठी हुई हैं
जिन्होंने कोरोना काल के समय में अपनी परवाह नहीं की, अपने परिवार की परवाह नहीं की, अपने स्वास्थ्य की चिंता नहीं की और वो कोरोना काल में सेवा देती रही, वो कोरोना काल में संघर्ष करती रही, वो बेटियां यहाँ मंच पर भूखी बैठी है तो ये सरकार सुनने वाली नहीं है। और ये मीडिया पूरी तरह से जो सरकार की गुलाम है, जो आपकी बात को सरकार तक नहीं पहुंचाती है, जो आपकी बात को यहाँ मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचाती है, क्योंकि मुख्यमंत्री तो आजकल चुनाव में बिजी है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप यहाँ मरो, आपको यहाँ लाठियां लगे, आपका घर जले, आपके साथ में नाइंसाफी हो, यहाँ मुख्यमंत्री को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि मुख्यमंत्री जिसे यहाँ की कमान सौंपी गई, वो पूरी तरह से अपने चुनाव में बिजी है, उसे कुर्सी का लालच है, उसे आपके आपसे कोई मतलब नहीं है। तो आप सभी साथियों को यही कहने के लिए आए हैं कि जितने भी साथी लोग भीम आर्मी से यहाँ पर पहुंचे हैं, जितने भी साथी पार्टी संगठन के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, एक एक कार्यकर्ता, एक एक पदाधिकारी आपके लिए समर्पित है, आपके इस संघर्ष में बराबर का भागीदार है और बराबर का आपको साथ देंगे, आपके कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। जो कहते हैं वो करते हैं, कमिटमेंट अगर कर दिया तो फिर हम अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगे, ये सच्चाई है। तो आप सभी साथियों को पुनः फिर से विश्वास दिलाता हूँ, जो भी साथी अन्य जिलों से चलकर आए हैं कि साथियों उन सभी साथियों से संपर्क करो जिन साथियों ने कोरोना काल में ड्यूटी दी, कोविड-19 के समय में यहाँ लोगों को सेवाएं दी, उन सभी साथियों से को किसी भी माध्यम से उन सभी साथियों तक आपका मैसेज पहुंचना चाहिए कि आप लोग यहाँ किस प्रकार से संघर्ष कर रहे हैं, किस प्रकार से धूप में बारिश में आप लोग यहाँ पर बैठे हैं। सरकार की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा, टेंट खुद का करना पड़ेगा, यहाँ फैन खुद का लगाना पड़ेगा, बिजली की व्यवस्था खुद करनी पड़ेगी, मंच की व्यवस्था खुद करनी पड़ेगी, तो ये हमें मिल बांट कर करना पड़ेगा। और भीम आर्मी के लोग आपको विश्वास दिलाते हैं, देहरादून की टीम की ओर से आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आज यहाँ से जाने के बाद में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो दिशा निर्देश हम लोगों को देंगे, हम उस पर कार्य करेंगे और देहरादून की टीम विशेष तौर से यहाँ इस जिले के अंदर जो टीम बैठी है वो आपके लिए उचित व्यवस्था भी करेगी, चाहे वो किसी भी प्रकार की व्यवस्था हो, हर व्यवस्था में आपके साथ खड़े रहेंगे। क्योंकि कोई भी आंदोलन, मैंने आते ही ये पूछा, क्योंकि हमने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अगर बुलाया है तो हमें इस आंदोलन की पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आंदोलन चलाना यहाँ जितने भी साथी बैठे हैं, आंदोलन चलाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। आंदोलन अगर सही दिशा में चला गया तो आप कामयाब हो जाओगे और अगर आंदोलन गलत दिशा में चला गया तो मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। तो इस आंदोलन को सही दिशा में ले जाने के लिए आप सभी साथियों से संपर्क किया, आप सभी साथियों से जानकारियां जुटाई, तो बाद में पता चला कि आप सभी साथियों के साथ में नाइंसाफी हुई है। इसीलिए इस आंदोलन को सही तरीके से चलाने के लिए आप सभी साथियों की आवश्यकता है। और यहाँ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से इन साथियों ने बड़े विश्वास के साथ में, भरोसे के साथ में हम लोगों पर विश्वास जताया है, तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हम कहना चाहते हैं कि आप यहाँ से जो भी आह्वान करेंगे, वैसे तो हम पूरी प्लानिंग करके आए थे, हम 10-20 गाड़ियों के साथ में यहाँ पर आए हैं कि आप सभी साथियों को साथ में ले जाकर यहाँ से विधानसभा कूच करते और विधानसभा के गेट पर जाकर ताला लगाने की हमारी प्लानिंग थी। लेकिन हम फिर कहते हैं कि यहाँ ये धरना स्थल और इस धरना स्थल पर आप लोग बैठे हैं, अनिश्चितकालीन ये धरना चल रहा है, इस धरने में जिस दिन भी आपकी तरफ से हमें कोई मैसेज दिया जाएगा, फिर उस दिन हम लोग यहाँ 10-20 कारों की व्यवस्था करके नहीं आएंगे, फिर हम बसों से भरकर आएंगे और हजारों की संख्या में आप सभी साथियों का समर्थन करने के लिए आएंगे और यहाँ विधानसभा के गेट पर ताला लगाकर बैठेंगे। भले ही मुख्यमंत्री चंपावत से जीत कर आ जाए, लेकिन विधानसभा में घुसने के लिए विधानसभा के गेट से जाना पड़ेगा और घुसने नहीं देंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती है, तो जितने भी आउटसोर्सिंग के माध्यम से यहाँ कर्मचारी लगाए गए थे और फिर उन्हें हटाया गया, ये नाइंसाफी है कि आप लोगों ने 6-6 महीने का, अभी मुझे साथी ने बताया कि 6-6 महीने का समय था और 6-6 महीने के समय के बाद भी आपसे 2-2 साल काम कराया गया, 8 घंटे की ड्यूटी के बाद भी आपसे 12-12 14-14 घंटे काम कराया गया, तो ये नाइंसाफी है। लेकिन आपने देश के प्रति, समाज के प्रति त्याग और समर्पण की भावना आपके अंदर है, तब जाकर आप वहाँ 14-14 घंटे लोगों को सेवा दे रहे थे। तो आप सभी साथियों को, मेरी बहनों को और मंच पर उपस्थित मेरी बहनें जो अनिश्चितकालीन धरने के लिए यहाँ पर बैठी हैं,
उन्हें ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि उनके भाई जो यहाँ पर खड़े होकर बोल रहे हैं 24 घंटे आपकी सेवा में हाजिर हैं, आपके साथ खड़े रहेंगे। जय भीम, जय संविधान, जय बाबा साहब। धन्यवाद माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी। लाइट आ गई, लाइट भाई चला रहे हो। इसी संदर्भ में मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी विनय रतन जी से निवेदन करता हूं कि वो हमारे बीच उपस्थित हों और हमारा मार्गदर्शन करें। शुक्रिया सब साथियों का। जय भीम। और मैं ये भी बताऊंगा कि मेरा यहाँ जय भीम का संबोधन ही क्यों है। आप शायद आज आंदोलन कर रहे हैं, इससे पहले तो आंदोलन किए होंगे, लेकिन हम जिस समाज से आते हैं उसने सदियों से आंदोलन किए हैं अधिकार पाने के लिए। मैं यहाँ समर्थन देने नहीं आया था, बिल्कुल नहीं आया था, न मेरा कोई इरादा था कि मैं समर्थन दू। मेरा एक साथी जब गया हरिद्वार से ये इसने मुझे वीडियो दिखाई आप लोगों की, मैंने देखा जो बेटियों को पुलिस वाले पकड़ पकड़ खींच रहे हैं, बाल पकड़े खींच रहे हैं, कपड़े फाड़ रहे हैं, दुख वाला था। मैं यहाँ आया था विधानसभा का घेराव करने। हमारे साथी ने ये कहा था जी 1200 बताए थे, 2200 लड़के बताए थे। उन्होंने कहा था भैया 2200 लड़के। हमने कहा कितनों तक सूचना पहुंचेगी? भैया 100 पर सूचना पहुंचेगी। हमने कहा आ कितने सकते हैं? भैया 40% लड़के आ सकते हैं। हमने कहा ठीक, 40% बेरोजगार आ सकते हैं जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से जिनको जिनका रोजगार छीना गया। तो मेरा मन यही था कि अगर यहां पर 500 भी लोग होंगे तो ये तो 100-150 की टीम बीमार भी नीले पड़ने वालों की खड़ी है। ये आगे आगे चलेंगे और आप पीछे पीछे रहेंगे और हम देखेंगे कि यहाँ की सरकार में ताकत कितनी है जो लाठियां बरसाती है बहनों पर, हमारे बच्चों पर, ये हम देखने के लिए आए थे। मेरे साथियों ने कहा कि नहीं भैया अभी सिर्फ हमें भीम आर्मी का समर्थन चाहिए। आजाद समाज पार्टी के लोग, हमारे महसिंह जी आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूरी हमारी टीम है, प्रीतम सिंह जी भी हैं, बहुत सारे साथी अलग अलग समाज के आए हुए हैं। साथियों ने कहा भैया सिर्फ समर्थन चाहिए। एक चीज समझ लीजिए, ये भारत देश जो है ना, भारत देश ये आंदोलनों का देश है। यहां कुछ मांगने जाइए मिलेगा नहीं, आप कितने भी सच्चे हो नहीं मिलेगा। और आज की तो सरकार सबसे बड़ी झूठी है जो रोजगार के नाम पर सबसे ज्यादा युवाओं को ठग रही है, सबसे ज्यादा युवाओं को। और ये आउटसोर्सिंग का मामला सिर्फ उत्तराखंड का नहीं है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान। और आप वो लोग हो जिस समय आदमी छूने से घबरा रहा था, एक अछूत प्रथा थी ना पहले, जिन लोगों ने पढ़ाया था वो जानते होंगे। तो वो प्रथा यहां पर प्रकृति ने पैदा कर दी कि आदमी एक दूसरे को छूने से घबरा रहा था। उस समय आप लोग अपने घरों से निकल करके लोगों की सेवा करने के लिए गए। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा, तो कुछ चर्चा हुई साथियों से, क्यों कुछ लोगों के दिमाग बहुत वो होता है ना, सरकार के लोगों के दिमाग बहुत हाई होते हैं। उन्होंने कहा भाई ये तो सब पैसों के लिए कर रहे थे, हर काम पैसों के लिए तो नहीं किया जा सकता। क्या 10,000-5,000 रुपए के लिए कोई अपनी जान दे सकता है यहां बैठा हुआ व्यक्ति? नहीं दे सकता, बिल्कुल नहीं दे सकता। हाँ बेरोजगारी का दंश जरूर होगा, क्योंकि इस देश में बेरोजगारी अगर है तो वो यहां के युवाओं की देन नहीं है, यहां के सरकारी और नेताओं की देन है, यहां के भ्रष्टाचार की देन है। अगर यहां भ्रष्टाचार ना हो तो ये तो युवा यहां 50 दिन से आंदोलन कर रहे हैं, पैसा खर्च हो रहा है, पढ़ाई में कार हो रही है, पूरा परिवार परेशान है, और ना जाने क्या हो जाए,
इस जगह आकर को सांप काट जाए, बिच्छू काट जाए, कौन रहे ना रहे बीच में, इसका किसी को फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। और हम तो स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, तो उसके संविधान में निश्चित है, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में जो निश्चित किया है इस देश के प्रत्येक नागरिक के लिए, उसके लिए सजग है। और लड़ाई जितना जानते हैं हारते नहीं है। भीम आर्मी का अपना इतिहास है, ना गलत करती है ना गलत सहती है। यहां प्रशासन के लोग देखा था, कोई छुप छुपा कहा गया होगा, लाइव के माध्यम से चल भी रहा है। अब ये पर्दे तक जी भी करते हैं, क्या आदेश होगा? आदेश तो ये है, बिना लड़े भीख मिल, बिना लड़े सिर्फ भीख मिल सकती, अधिकार नहीं मिला। और जब आपने भीम आर्मी के लोगों तक सूचना भेजी है, यहां बुलाया है, ये वादा है जिस दिन आदेश करोगे चार दिन पहले बताइएगा, चार या पांच दिन पहले, कि भैया विधानसभा घेरनी है, यहां के और पार्टी के और संगठन के नेता आके सिर्फ भाषण देके जा सकते हैं, हम घेर के बताएंगे विधानसभा घिरती कैसे है। बिल्कुल मैं तो गौरवान्वित हूं आपको देख करके, मुझे लग रहा है, मुझे लग रहा है जिस देश में जाति धर्म के नाम पर दंगे कराए जा रहे हो, जिस देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारों को ठगा जा रहा हो, जिस देश में जुमलेबाजी की जा रही हो, कि उस देश का युवा जाग रहा है लड़ने के लिए तैयार। अगर आप 20 साल 25 साल 30 साल 35 साल का युवा यहां आंदोलन में लड़ने के लिए बैठा है ना, तो समझो इस देश में पुनः परिवर्तन होने वाला है। ये तय है, ये तय है। मैंने ये भी सुना है कि मुख्यमंत्री साथ इस बार चुनाव जीते नहीं है ना, ये लड़े नहीं थे, जीते नहीं, हार गए थे। चलिए हारे हुए मुख्य हारे हुए व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, ये बहुत सौभाग्य है उत्तराखंड का, वो दोबारा चुनाव लड़ने जा रहे हैं वहां से, कि भैया मैं मुख्यमंत्री बना रहा हूँ इसलिए तो लड़ रहे हैं ना चुनाव के, मुख्यमंत्री बना रहा हूँ। एक बार चीख मार दीजिए ना सर, एक सर यहाँ से जिस विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं ना, वहां के यार दोस्त रिश्तेदार, वहां के बेरोजगार, वहां के वो लोग जो प्रगतिशील है, वहां के वो लोग जो ये समझते हैं इस देश में परिवर्तन क्या हो सकता है, उन सबको फोन करके कहिए इस मुख्यमंत्री को दोबारा फिर हरा दो, बिल्कुल हरा दो, अपने आप उसकी तबियत ठीक हो जाएगी। आज चीख मारिए, पांच दिन में यहाँ बैठना घर आएगा, वो कहेगा आकर के यहाँ बिल्कुल। और वो जब यहां आएगा उससे कहना, उससे पूछना कि जब हम तुम्हें वोट देकर तुम्हारे घर भर देते हैं, जब हम तुम्हें बड़े बड़े नेता बना देते हैं, तुम वहीं से बैठकर उनपर लाठियां बांध देते हो, उसे बताना कि संविधान का आर्टिकल 19 सब हमें अधिकार दे रहा है, जिसको हम जान रहे हैं पढ़ रहे हैं, अब हम चीखेंगे, अब चिल्लाएंगे, अब तुमसे सवाल पूछेंगे, और तुम्हारी हैसियत नहीं है हमारे साथ कुछ करो। लाठियां पहली बार नहीं चली है, डंडे पहली बार नहीं चले हैं, भगत सिंह को सुना होगा ना, जानते हैं भगत सिंह, कुछ लोग जानते हैं 23 साल की उम्र में भगत सिंह फांसी चढ़े थे ना, कभी पढ़ने का मौका मिलेगा पढ़िएगा, सही मायने में आंदोलन की परिभाषा पता रहेगी, आंदोलन कहां से चला था, क्यों आंदोलन किया जाता है। आंदोलन तब होता है जब व्यवस्था तानाशाह हो जाए, आंदोलन तब होता है जब कुछ लोग इस व्यवस्था में बैठकर अन्याय अत्याचार करने लगे, तब आंदोलनों का मार्ग खुलता। आंदोलन सीखने की चीज है, सीखिए, बिल्कुल सीखिए।